स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गुलविश। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल ही दिए। अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बार कांग्रेस ने अमेठी में नया दांव खेला है और अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। अजय जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। अमेठी से राहुल के रायबरेली जाने पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी से हार स्वीकार कर ली है। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है? क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। वहीं नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राहुल के साथ उनकी मां और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी समेत बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेठी से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए, लेकिन अब वे कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में मोर्चा संभाले हुए नजर आए। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इसलिए राहुल अमेठी को धोखा देने के बाद वायनाड भाग गए हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, अब डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। आपको बता दें अमेठी से इस बार भी बीजेपी ने सांसद स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि दिनेश 2019 का चुनाव हार गए थे। वहीं बात करें राहुल गांधी की तो 2004 से लगातार 2019 तक वहां से सांसद रहे, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी ने उन्हें पटखनी दी और उनसे अमेठी की सीट छीन ली। जिक्र यहां ये भी करना जरूरी है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे और वे अभी भी वहां से मौजूदा सांसद हैं। पीएम मोदी का चुनाव प्रचार अभियान इन दिनों बेहद जोरों पर चल रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में मोर्चाबंदी की। वर्धमान समेत 3 जगह प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्ज का नागरिक बनाकर रख दिया है। टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी, वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई, ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है बंगाल में, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है
यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन भरने पर भी तंज कसा कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री मोदी के 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए इस बार गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पूछना भी चाहता हूँ, क्या उद्धव ठाकरे जी मुंबई में सभा कर कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना वो अच्छा हुआ? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनकी वोट बैंक भी अब कांग्रेस की वोट बैंक हो गई है, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो भाई। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वे इस बीच बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, जबकि शिवसेना एकनाथ गुट को 12 सीटें और एनसीपी अजीत गुट को 6 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे को फाइनल टच नहीं दिया जा सका है, क्योंकि सभी पार्टियां एक मत नहीं है। इसीलिए पार्टी को सहयोगियों के साथ लेकर चलते हुए सभी दलों को बैलेंस करना बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल ये भी है कि सीट बंटवारे को लेकर समस्या कहां से आ रही है? तो बताया जा रहा है कि तीनों दलों के बीच विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों की कुछ सीटों को लेकर पेच है, जहां तीनों सहयोगी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन की जबरदस्त कमी के बीच बीजेपी और शिवसेना नेताओं को पिछले हफ्ते राज्य के दो महत्वपूर्ण सीटों अमरावती और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में आमने सामने होना पड़ा, जहां शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने अमरावती से दावा ठोका है। वहीं बीजेपी इस सीट से मौजूदा सांसद नवनीत राणा को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 और बीजेपी को अकेले 370 सीटों का टारगेट दे दिया है, लेकिन बीजेपी जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह की एंट्री के बाद ये पचड़ा भी उलझ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई है, वहीं दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर रणनीति बनाई है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइंट इलेक्शन कैंपेन करेगी, यानी कि अब गठबंधन के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन जुलूसों में दोनों पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे और इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक एक पर्यवेक्षक भी अपॉइंट किया गया है। वहीं कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ताकि गठबंधन के समझौते के तहत दोनों पार्टियों के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए मिलकर प्रचार करने में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अरविंदर सिंह के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी से गठबंधन के विरोध में तुगलकाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश भदूरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर सत्ता में आई और अब कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया, वे इस गठबंधन से खुश नहीं है। समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ऐसे में कैसे बिना दिग्गज नेताओं के कांग्रेस दिल्ली का किला फतह कर पाएगी? खैर, ये तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
लोकसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने अपना पर्चा भरा। इस कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह का टिकट काटा गया, लेकिन पार्टी ने उन्हीं के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया। यानी कि टिकट कटा जरूर, लेकिन रहा घर ही घर में। जिसके बाद ब्रजभूषण के बेटे करण पर पिता ब्रजभूषण की विरासत को भी संजोने की जिम्मेदारी होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है जो उनकी जगह पर इस लोग कैसरगंज लोकसभा से मैं प्रत्याशी बना के आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को भी और खासतौर से अपने पिताजी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कैसरगंज से टिकट ब्रजभूषण को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माना जा रहा है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण पर बीजेपी दांव नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि हरियाणा में अभी वोटिंग बाकी है और बीजेपी जाट वोटर्स की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती। खैर, बेटे को टिकट मिलने पर ब्रजभूषण खुश नजर आए। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। और बुलेटिन के आखिर में एक दुखद खबर जो राजनीति के गलियारों से ही आई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अतुल अंजान का लखनऊ में निधन हो गया। अतुल अंजान पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और पिछले करीब एक महीने से लखनऊ के मेयो अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में 1977 के राजनीति की शुरुआत करने वाले अतुल अंजान को वामपंथी राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था। अतुल अंजान 20 साल की उम्र में नेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए लोकप्रिय अंजान ने लगातार 4 बार लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद चुनाव भी जीता। अतुल एक प्रभावशाली वक्ता थे जिनको करीब आधा दर्जन भाषाओं की जानकारी थी। अंजान अपने विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान ही वामपंथी पार्टी में शामिल हो गए। ये थी आज की विशुद्ध राजनीति। इसी तरह की खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।